शास्त्र के हिसाब से पहले बता दे, नमोकार मंत्र की जो आप लोग उल्टी फेरना शुरू कर दो, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। फिर कुछ दिनों के बाद यत्र तत्रानुपूर्वी का लंबन ले लो, नमो अरियंताणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो लोहे सव्यसावणम, नमो वज्जायाणम, आगे पीछे आगे पीछे, जिग-जैग क्रम बनाते चले जाओ। उससे आपका ब्रेन जो है बहुत तेजी से काम करने लगेगा। यदि जिसे भक्तामर याद है तो उल्टा भक्तामर का पाठ करने लगेगा 48वां श्लोक से लेकर पहले तक, अथवा तत्वार सूत्र याद है 357 सूत्र से शुरू करे पहले सूत्र तक आ जाए। हमने ऐसे भी देखे हैं, जब हमारा चतुर्मास सर्धना में हुआ था, एक बच्ची थी, उसे तत्वार सूत्र उल्टा याद था, बाकायदा आप सूत्र का नंबर बोलो नंबर बता देती थी, पीछे से पाठ करना शुरू करती थी, आगे तक पहुंच जाती थी। ये है एक एक्सरसाइज है, सवेरे भी कराई थी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अब दोनों हाथ को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना स्पीड से करके देखो, सीधे सीधे नहीं, राइट हैंड सीधा लेफ्ट हैंड उल्टा साइमल्टेनियसली, बिल्कुल। अथवा एक एक्सरसाइज, एक एक उंगली को चेंज करते जाना थंब में, ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अथवा उल्टी काउंटिंग करो, जो आपको स्मरण है, जो आपने पढ़ा है, जो भी सब्जेक्ट, आगे से पीछे से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे तो आपकी मेमोरी शार्प होने लगेगी। मेमोरी शार्प करने के लिए उस प्रकार का भोजन भी लिया जाना चाहिए, बादाम आदि, गाय का शुद्ध घी दूध में डाल करके पीना चाहिए अच्छे से प्रातःकाल। मेमोरी जिससे वीक होती है उन कारणों से बचना चाहिए, फास्ट फूड जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव आदि डले रहते हैं जो हमारे इस प्रकार के एंजाइम्स का सीक्रेशन बढ़ाते हैं, जैसे डोपामाइन आदि, जिससे व्यक्ति की मेमोरी वीक होती है, शुद्ध सात्विक आहार। तीसरी बात, ईटिंग हैबिट को चेंज करें और अपनी स्लीपिंग हैबिट को सुव्यवस्थित बनाएं। चौथी बात, मेडिटेशन थोड़ा सा करना शुरू करें, ओम का उच्चारण जितना गहरा आप कर सकते हो, सवेरे जब ध्यान किया होगा उद्गीत प्राणायाम ओंकार में, उस प्राणायाम को करोगे तो आपकी ब्रेन्स पावर जो है, उनकी नर्वस सिस्टम, वो ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा, उससे आपकी मेमोरी बहुत अच्छे से बढ़ेगी। छठवा पॉइंट, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, अलर्टनेस रखें अपने भीतर, जो भी हो रहा है उसे पूर्ण जागृति रखते हुए बिना अटैचमेंट के देखने जानने की कोशिश करें, अर्थात जो जितना साक्षी भाव से रहता है जीता है उसकी मेमोरी उतनी ही शार्प होती है। सातवां पॉइंट, आप अपने प्रभु की स्तुति जोर जोर से स्पष्ट सही प्रोनाउंसिएशन करते हुए करें, चाहे भक्तामर हो अथवा स्वयंभू स्तोत्र हो, कोई भी स्तोत्र संस्कृत का है, सही उच्चारण करते हुए जैसी मात्रा है दीर्घ ह्रस्व हलंत विसर्ग, और जोर जोर से करोगे तो उससे भी आपकी वचन शुद्धि होगी और आपकी मेमोरी बढ़ेगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं। और यदि एक मंत्र चाहते हो, ओम ऐम नमः सरस्वती मंत्र है, इसका भी आप जाप करोगे तो मेमोरी आपकी बढ़ेगी। कौन सा मंत्र दे रहे हैं? ओम ऐम नमः, बच्चों के लिए बहुत शॉर्ट मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है। ओम बीजाक्षर है, ऐम बीजाक्षर जो है वाणी का प्रतीक है, इससे हमारी वाणी शुद्ध होती है, और नमस्कार करना है। जिनागम में आया है मंत्र, ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः। इस मंत्र को 108 बार सवेरे और सोने के बाद पूर्व 108 बार पढ़ोगे तो आपकी मेमोरी बहुत बढ़ेगी। बड़ा आसान है, ओम ऐम नमः, ऐम बीजाक्षर है, ए की मात्रा और उसके अनुस्वार ऐम नमः, बस इसको पढ़ना है। ऐम डबल नहीं, ए ऑलरेडी एक की मात्रा रहता है, उसको मैं एक ही मात्रा लगाई तो वो ऐम हो जाएगा, ओम ऐम नमः। बड़ा आसान मंत्र है और सब बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव मंत्र है। तो जो बच्चे अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अथवा बड़े लोग भी हैं, इस सरस्वती मंत्र का जाप अवश्य करें, इससे बहुत लाभ होगा।
ओम एम नमः, ओम एम नमः। और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए गुरुवार को इसको शुरू करना पढ़ने के लिए शुक्ल पक्ष में, तो और ज़्यादा लाभ होगा।